लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज की दवाई स्किप करने से सेहत को पहुंचता है नुकसान, ना करें ये लापरवाही। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है। आज की तारीख में सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे भी इस घातक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। खासकर टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अकेले 77 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 2024 तक इसकी संख्या बढ़कर 134 मिलियन हो जाएगी। हैरानी की इस बात की भी है कि 50% से ज्यादा मरीजों को डायग्नोज ही नहीं हो पाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अगर समय पर ट्रीटमेंट शुरू ना किया जाए तो अन्य स्वास्थ्य बीमारियां हो सकती हैं। इस तरह की कंडीशन ना आए इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दवा दी जाती है जिसका रोजाना सेवन किया जाता है। हालांकि कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर समय पर डायबिटीज की दवाइयां ना ली जाए तो गलती से दवा मिस हो जाए तो इसका हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप दवाई मिस कर देते हैं तो आपकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। डायबिटीज 100% रिवर्स नहीं हो सकती है, कम ज्यादा जरूर हो सकती है। डायबिटीज होने पर व्यक्ति को अपने खान पान से लेकर के लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना होता है और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का नियमित रूप से आप समय अनुसार सेवन करना होता है। अगर कभी कभार मरीज गलती से एक या दो बार की मेडिसिन लेना भूल जाता है तो इसका शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ ही ये प्रभाव आपको तुरंत महसूस नहीं होगा। वहीं अगर आप लगातार डायबिटीज की दवाइयों को मिस कर रहे हैं, साथ ही लाइफस्टाइल और डाइट पैटर्न में भी सुधार नहीं है तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। डायबिटीज के मरीज दूसरी किस्म की समस्याएं भी हो सकती हैं। तो डायबिटीज की दवा मिस करने का शरीर पर क्या असर पड़ता है मैं आपको बता रहा हूं। ब्लड शुगर बढ़ सकता है। अगर डायबिटीज के मरीज लगातार और लंबे समय से डायबिटीज की दवाइयों को मिस करते हैं तो इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाते हैं तो इसकी वजह से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। ब्लड शुगर हाई होना बिल्कुल सही नहीं है, इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इनमें किडनी और हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप व्यक्ति लगातार तक डायबिटीज की दवाएं मिस कर रहा है तो बीपी बढ़ सकता है। बीपी बढ़ने से ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो सकता है और फिर फैट जमा हो सकता है। एक क्लॉट यानी रक्त के थक्के ब्लड वेसल्स को संकीर्ण यानी नैरो कर देते हैं जिससे ब्लड फ्लो बाधित होने लगता है। ऐसे में ब्रेन तक सही तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है जो कि स्ट्रोक का एक बड़ा कारण बनता है। यही कारण है कि डायबिटीज के मरीजों को स्ट्रोक होने का खतरा हेल्दी लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। नर्व डैमेज हो सकती है। अगर लंबे समय तक ब्लड शुगर को मैनेज ना किया जाए तो इससे नर्व डैमेज हो सकती है। दरअसल डायबिटीज की वजह से ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाता है जिस वजह से नर्व्स तक सही तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं। नतीजन नर्व के डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को लंबे समय तक मेडिसिन मिस नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना चाहिए और डाइट से भी हेल्दी चीजों को शामिल करना चाहिए और जो चीजें नहीं खानी है वो आपको नहीं खानी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और देखते रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया। धन्यवाद।